हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की पंजीरी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मूंगी की पंजीरी बनाने के लिए हमने जहाँ पर मूंगी को पीस लिया है, साथ में लिए हैं बादाम, छुआरे, सोंगी और मगज, कमरकस, गोंद और नारियल को, आधे नारियल को पीस लिया है और आधे को काट लिया है, पिसी हुई चीनी, और देसी घी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे बादाम। फ्राई करेंगे। बादाम को ऐसे फ्राई करने से ये क्रंची हो जाते हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं हमने भूनने हैं, थोड़ा सा ही फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं। और इसके बाद कमरकस को फ्राई करेंगे। ऐसे अब इसे भी निकाल लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे गोंद। गोंद को भी हमने भून लिया है।
अब इसमें और घी ऐड करेंगे। अब घी में ऐड कर देंगे जो मूंगी हमने पीस के रखी है ऐसे। इसका ध्यान रखना है कि ये जल्दी नहीं चाहिए, इसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे ऐसे। हमने मूंगी को अच्छी तरह से घी में भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बूरा चीनी। ऐसे हमने 3 पाव पिसी हुई चीनी ली थी। ऐसे हमने इसे मिलाया है ऐसे।
अब इसमें ऐड कर देंगे बादाम जो हमने फ्राई किए थे, गोंद और कमरकस। और इसके बाद ऐड करेंगे शवारे और कमरकस, सवारे और सौंगी। और अब ऐड करेंगे मगज और गिरी ऐड करेंगे जो हमने आधी पीस के रखी थी, आधी को हमने काट लिया था। अच्छी तरह से मिलाएंगे ऐसे, फ्रेंड्स। ये जो हमने मूंग दाल की रेसिपी बनाई है ना, इससे हमारे शरीर में जो दर्द होती है ना जोड़ों में, वो बिल्कुल नहीं होती है। सुबह उठ के इसे थोड़ी सी गर्म करना है, दूध के साथ इसका सेवन करना है। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है, तो हमारी मूंग दाल की पंजीरी बनके रेडी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंग दाल की पंजीरी बनके रेडी है। तो दोस्तों, ये एक औषधि है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों में शक्ति आती है। तो इसका सेवन जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी मूंग दाल की पंजीरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।